मणिपुर के वायरल वीडियो ने जहां पूरे देश को झकझोर दिया, वहीं दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। की गई छेड़छाड़ वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना पर जताया दुख, कहा मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उनके दोषियों को कतई नहीं बख्शेंगे। मणिपुर में महिलाओं के वायरल वीडियो मामले में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी सरकार सिर्फ देख रही है इस हैवानियत को, इसकी सजा जनता जरूर देगी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा का एक और झूठ, बेनकाब, दोनों ने जमानत के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का किया था दावा, पुजारी बोले पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं होती है। ब्रजभूषण शरण सिंह की जमानत पर आया फैसला, ब्रजभूषण को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। मणिपुर की घटना पर सीएम बीरेन सिंह का बयान आया सामने, कहा मृत्युदंड की सजा पर करेंगे विचार। सीमा हैदर को भेजा जा सकता है पाकिस्तान, सीमा के जासूस होने की नहीं मिल रही है खबर। मैं खुश हूं पीएम मोदी ने चुप्पी तो तोड़ी, मणिपुर की घटना पर मोदी के बयान को लेकर बोले शशि थरूर। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, करीब 100 लोग दबे, 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में आज सुबह से हो रही है भारी बारिश, सड़कों पर लगा जाम, लोगों के घरों में भरा पानी। मणिपुर यौन हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम करेंगे। मणिपुर में यौन उत्पीड़न वाले वीडियो का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, 28 जुलाई को होगी सुनवाई। मणिपुर का वीडियो सामने आने के बाद लालू यादव बोले मणिपुर में लोक लाज, मानवता का कत्ल हुआ मगर भाजपा वाले कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। दिल्ली में वॉकआउट के दौरान करंट लगने से युवक की हुई मौत, पुलिस ने जिम मालिक को किया गिरफ्तार। लोकसभा कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित, सरकार ने कहा मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहाड़ खिसकने से भीषण हादसा, 10 लोगों की हुई मौत और 4 के घर मलबे में दसे गांव में, मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर बेकाबू कार का कहर, 160 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही जगुआर से 9 लोगों की मौत, हादसे पर गिरफ्तारी नहीं। गौतम बुद्ध नगर में अगले 15 दिनों तक न सड़क पर पढ़ी जाएगी नमाज और न ही निकाले जाएंगे जुलूस, पूजा करने पर भी लगा बैन। बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर निकली महिला नेता, मणिपुर हिंसा पर कर रही है विरोध। अहमदाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा, जगुआर ने 9 लोगों को रौंदा, 6 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में हलाला के नाम पर महिला के साथ 2 बार रेप, 3 तलाक देकर बहनाइयों से करवाता रहा यौन शोषण। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका 5 जजों की बेंच के पास भेजी। बीजेपी का मतलब ब्रजभूषण जनता पार्टी, आपने कहा मणिपुर की घटना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बयान पर जमकर बसा असदुद्दीन ओवैसी, बोले 2 महीने से क्या कर रहे थे, पीएम मोदी क्यों नहीं कुछ बोले।